हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। आपने कैप्शन देख ही लिया है, 2 BHK का फ्लैट है ये, जो कि 50-55 गज के आसपास का एरिया है इसका और 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है ये। बहुत ही बेस्ट मैं आपको लोकेशन के साथ ये प्रॉपर्टी बताऊंगा। सेम एरिया में अवेलेबल है ये, दीप विहार नियर सेक्टर 24 रोहिणी। जी हाँ, 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है ये। फ्रंट जो आपको पड़ेगा प्रॉपर्टी का वो 18 फिट रोड पे होगा और जो बैक साइड होगी वो 15 फिट रोड पे होगी। बोथ साइड एंट्री होगी, कहीं किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है प्रॉपर्टी का। मैं आपको ऊपर तक टॉप टू बॉटम देख लीजिए, कंप्लीट टाइल वर्क है। चलो चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। ये बैक साइड एंट्री है, फ्रंट से हमने एंट्री की है। ये देखिए, मीटर हमने प्री इंस्टॉल्ड करा दिए हैं, पहले इंस्टॉल करा दिए हैं। ये पार्किंग देख रहे हैं आप, इसमें टोटल आप 5 बाइक खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग तो थोड़ी सी और भी बड़ी है, इसमें और भी बाइक आ सकती हैं वैसे। चलो चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्रेंड, हम फ्लैट के सामने खड़े हैं, हमारा ईस्ट फेसिंग फ्लैट है ये। मैं फ्लैट के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये MCB बॉक्स है, सारा ब्रांडेड फिटिंग की है हमने फ्लैट के अंदर। अब मैं फ्लैट के अंदर आ चुका हूँ, देखिए टेक्सचर देखिए, कॉपर कलर के साथ है, बहुत ही खिल के आ रहा है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है आपको। ये फॉल सीलिंग लाइट दी है हमने, कॉब लाइट दी है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए कैसा है, क्रम्पटन के हमने ट्यूब डाल के दी। हमारा सारा का सारा ब्रांडेड आपको फिटिंग मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम हमारा टॉप टू बॉटम कंप्लीट आप देख लीजिए, टाइल वर्क है। जो सैनिटरी फिटिंग है, बाथरूम की जो फिटिंग है, वो सारी क्वालिटी की फिटिंग मिलेगी आपको, कोई लोकल फिटिंग यूज़ नहीं करते हैं हम। देख लीजिए, शाइनिंग से आपको पता चल रहा होगा। गीज़र के लिए हमने प्रोविज़न दिया है, MCB सॉकेट दी है। मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपने किचन की तरफ। किचन में मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। किचन में हमने स्पेसिफिक आपको ये जो स्पेस दिया है, ये फ्रिज के लिए स्पेस दिया गया है और साथ में सॉकेट भी दिया गया। आप ऊपर देख सकते हैं, ये ट्यूब है, मैं ऑन कर देता हूँ आपके लिए। देख लीजिए, ये जो किचन है, इस किचन में अभी मॉड्यूलर किचन हमारा रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये फ्लैट। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन रेडी है, दैट्स व्हाई ये फ्लैट अभी साफ नहीं है। मैं आपको कुछ फ़ोटो लास्ट में शेयर करूँगा, वो जो हमारे एक फ्लैट सोल्ड आउट हो चुका है उसकी फ़ोटो होंगी वो। उसका मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं कैसा बनाएगा वो। ये चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो बेडरूम आएगा उस बेडरूम की तरफ। ये देखिए, गोल्डन कलर का टेक्सचर हो गया है इस पर, कितना प्यारा खिल के आ रहा है ये। रूफ़ का डिज़ाइन देखिए कैसा है। टेक्सचर में एक बार आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कैसा है, देख लीजिए। बालकनी भी मिलेगी इसमें आपको, विंडो एसी के लिए प्रोविज़न भी मिलेगा, डबल सॉकेट मिलेंगे ऊपर भी नीचे भी, MCB भी। ये देखिए, ये हमारी स्मॉल सी आपको बालकनी मिलेगी, बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग है ये। ये देख लीजिए, ये हमारा 15 फिट का रोड है, साथ में दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई हैं इसमें, देख लीजिए आप, साथ वाली बिल्डिंग्स भी हैं। ग्रिल है वो हमारी स्टेनलेस स्टील की 304 की ग्रिल है। मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। इस मास्टर बेडरूम में बिल्कुल सामने ही हम आपको वार्डरोब बना के देंगे, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लकड़ी का वर्क हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई आपको शो नहीं कर रहा। मैंने जैसे बोला, मैं फ़ोटो शेयर करूँगा आपके साथ। देख लीजिए, ये भी हमारा गोल्डन कलर के साथ है। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा निखर के आ रहा है, ऑफ वाइट कलर के साथ।
ये हमारा ड्राइंग रूम की तरफ से एंटर करते ही मास्टर बेडरूम है। ये देखिए कि आप अपना विंडो एसी का प्रोविज़न कर सकते हैं। नीचे भी हमने एमसीबी की फिटिंग दी है, इसमें डबल सॉकेट दी है, देख लीजिए एक बार। ये देखिए 16 एम्पियर का भी दिया है और एमसीबी भी दिया है, दो अलग से दिए गए हैं। ऊपर भी सॉकेट के लिए हमें ये प्रोविज़न दिया गया है। ये अब हम फ्रंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, बिल्डिंग के फ्रंट फेस की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी बालकनी है, इसका जो साइज़ है वो लगभग 12x4 का है। देखिए कंप्लीट आपको टाइल वर्क किया था, जैसे मैंने आपको फ्रंट फेस ऑफ द बिल्डिंग दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हमारा कंप्लीट टाइल वर्क है। आप कहीं पे भी हो, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क है, स्टेनलेस स्टील 304 की हमारी ये ग्रिल है, इसमें जंग नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप। सामने वॉशरूम है, ये हमारा सिर्फ वॉशरूम के पर्पज़ से ही यूज़ होगा, टॉयलेट है ये प्रॉपर। ये अभी इंडियन स्टाइल में है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वेस्टर्न स्टाइल में भी उसे चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करा सकते हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग्स हैं, आपको आसपास किसी भी बिल्डिंग में टू साइड ओपन नहीं मिलेगा, देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या इंस्टॉल करके देंगे। जी हाँ, हम आपको इसमें टीवी पैनल इंस्टॉल करके देंगे, बिल्कुल ट्रेंडी डिज़ाइन है ये, देख लीजिए आप। लेटेस्ट डिज़ाइन अभी मार्केट में ये चल रहा है, ये हम आपको इंस्टॉल करके देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसमें एक वार्डरोब भी आपको देंगे, देख लीजिए। नीचे से बिल्कुल टॉप तक, रूफ तक आपको ये मिलेगी, डिफरेंट एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल रूफ तक, काफ़ी गहरी है, काफ़ी वाइड है ये। चलो किचन की तरफ चलते हैं, किचन में ये आपको सेम बिल्कुल रूफ तक आपको ये ऑप्शन मिलेगा मॉड्यूलर किचन का। और जो नीचे की तरफ है उसमें भी आपको काफ़ी गहरी जो है, इसमें भी आपको बकेट मिलेंगी, ड्रॉर मिलेंगी, काफ़ी डीप है वो, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का काम है। चलिए मैं आपको बैक फेस ऑफ द बिल्डिंग लेके चलता हूँ। जी हाँ, देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कंप्लीट टाइल वर्क है टॉप टू बॉटम हमारी बिल्डिंग में। मैं आपको एक बार दूर से थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाना चाहूँगा, कम्प्लीटली आपको टाइल वर्क मिलेगा, जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है। दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी, टू साइड ओपन 50-55 गज की प्रॉपर्टी है। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स में कितनी मेंशन है, नॉर्मली में से 55 गज बोल रहे हैं अभी, बाकी ये 50 से ऊपर ही है। और मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, इसमें सिर्फ आपको बाइक पार्किंग मिलेंगी, आपको इसमें कार पार्किंग नहीं मिलेगी। बोथ साइड ओपन प्रॉपर्टी है ये, टू एंट्री है इसमें, फ्रंट से भी और बैक से भी। दोस्तों अब करते हैं प्राइस रेंज की बात, ये प्रॉपर्टी किस प्राइस में होगी। ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी 21 to 23 lakhs, जी हाँ 21 to 23 lakh के प्राइस में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। जो भी इंटरेस्टेड है एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी विजिट कीजिए एंड कॉल ऑन द मेंशन नंबर, जो भी नंबर हमने मेंशन किया उस नंबर पे कॉल कीजिए आप, और अपना टाइमिंग जो है वो आप स्केड्यूल करा लीजिए कि आपको विजिट का जो टाइमिंग है वो क्या होगा, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। कोरोना का टाइम चल रहा है, विजिट का टाइमिंग मैंडेट है, आप प्लीज़ एक बार कॉल करके और विजिट टाइम कीजिए। दोस्तों नाउ वेलकम टू द अनदर पॉइंट्स, मेरे पास काफ़ी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट द होम लोन, तो मैं बताना चाहूँगा ये जीपीए की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ पे रजिस्ट्री अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, बट ये कॉलोनी पास हो चुकी है, 1079 नंबर है कॉलोनी का, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की है। आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। और वेलकम टू नो अबाउट द होम लोन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि होम लोन इस प्रॉपर्टी पे जीपी होने की वजह से, पावर ऑफ अटॉर्नी होने की वजह से इस पे होम लोन अवेलेबल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पे होम लोन अवेलेबल नहीं होगा, बाकी जो आपकी डॉक्यूमेंट होंगे, जो आपकी जीपीए बनेगी वो प्रॉपर नोटरी के थ्रू बनेगी, ठीक है, वो प्रॉपर पक्के कागज बनेंगे आपके, उसमें विल भी होगी, नोटरी जीपीए भी बनेगा आपका, उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप आएंगे प्रॉपर्टी, अगर आपको पसंद आती है प्रॉपर्टी लेते हैं, विल इन्फॉर्म यू ऑन दैट टाइम कि प्रॉपर्टी में क्या डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, कितने की आपको प्रॉपर्टी पड़ेगी, क्या क्या इसमें
आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में तो प्लीज एक बार विजिट कीजिए, कॉल कीजिए और बाकी चीजों का कंफर्मेशन लीजिए। जो प्रॉपर्टी मेरी है वो आपको अच्छी लगती है, यू कैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विकास कहाँ है। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।